वेलकम टू एसी सर्विसेज चैनल। आज हम एक्सेल वीबीए में अलाइनमेंट कोड सीखेंगे। तो ये एसी सर्विसेज जो एजुकेशनल चैनल है, तो यहाँ पर मल्टीपल किस्म के कोर्स आपको मिलेंगे। इस वक्त मेरे इस चैनल पर दो कोर्स चल रहे हैं, एक एक्सेल वीबीए और दूसरा फ्रीलांसिंग का। तो सबसे पहले आप जो है अपने एक्सेल शीट पर, यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं जिसको हमने अलाइन करना है। एसी लिख लेते हैं और इसको चार पाँच कॉलम्स में कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक और पेस्ट कर लेंगे। ठीक है जी, इस पर हम अप्लाई करेंगे अलाइनमेंट विजुअल बेसिक की। तो डेवलपर टैब पे चले जाएंगे, वहाँ से विजुअल बेसिक सेलेक्ट कर लें और इंसर्ट मॉड्यूल, नया मॉड्यूल हमने इंसर्ट कर लेना है। और यहाँ पे हम इसका नाम रख लेंगे जी अलाइनमेंट सब अलाइनमेंट, यहाँ पे नाम होगा और यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ हम रेंज लिखेंगे जी, हमारी रेंज जो है वो ये है कि A1 से लेकर कहाँ तक है, ये बनती है D8 डॉट, हमने सिर्फ साथ लिखना है जी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इज इक्वल टू XL। अब हम राइट की तरफ चाहते हैं तो राइट लिखेंगे और F8 से इसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये आपने देखा कि ये टेक्स्ट जो है वो राइट की तरफ हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये वापस लेफ्ट पे चला जाए, तो बजाय बार बार लिखने के ये जो कोड है इसको हम यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। आगे लिखें कि इक्वल टू XL लेफ्ट LEFT लेफ्ट, इसको दोबारा एग्जीक्यूट करवाएं। तो ये आपने देखा कि ये जो टेक्स्ट था ये लेफ्ट पे चला गया। अब हमारे पास एक ऑप्शन रह गया सेंटर वाला, हॉरिजॉन्टली इसको हम सेंटर में करेंगे XL CENTER। तो एग्जीक्यूट करवाएं F8 से, तो जब एंड पे पहुंचेंगे तो ये आपने देखा कि टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ गया। अब दूसरी जो अलाइनमेंट होती है वो वर्टिकल होती है, तो यही कोड रहेगा, हम हॉरिजॉन्टल की जगह क्या करेंगे जी, इसको कॉपी कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल लिख लेंगे। रेंज वगैरह सब कुछ रहेगा, यहाँ पे हम इसको हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल अलाइनमेंट, और वर्टिकली लेफ्ट राइट नहीं होगा, टॉप बॉटम और सेंटर होगा। तो वर्टिकली इसको टॉप पर ले जाएं, तो F8 से एग्जीक्यूट करवाते हैं, देखते हैं एंड पे कोई तब्दीली आती है कि नहीं। तो ये यहाँ पे आप एक चीज़ देखें, हाँ इसको थोड़ा हम इनकी जो हाइट है ज़्यादा कर लेते हैं, रो हाइट, तभी हमको ये नज़र आएंगे। फॉर्मेट पे चले जाएंगे, रो हाइट वाला ऑप्शन, यहाँ पे हम इसका 30 कर लेते हैं, ओके कर लें। ठीक है जी, तो अब ये हमें नज़र आ रहा है कि ये वर्टिकली टॉप की तरफ गया भी है कि नहीं, तो ये टॉप पे है। अब इसको हम यहाँ से नीचे कर लेंगे, तो दूसरी कमांड टॉप के अलावा हो सकती है जी बॉटम, वर्टिकली बॉटम पे ले जाएं, तो F8 से एग्जीक्यूट करवाएं, तो लास्ट पे पहुँचेंगे। तो ये देखें टेक्स्ट जो है वह सेल में बॉटम की तरफ चला गया, और इसके बाद हम लिख सकते हैं जी कि इसको सेंटर में वर्टिकली सेंटर में आ जाए। तो ये आपने देखा कि टेक्स्ट जो है वर्टिकली सेंटर हो। तो ये अलाइनमेंट के लिए छोटा सा कोड था, दो ही कोड आपने याद रखने हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इज इक्वल टू XL लिखना है और लेफ्ट राइट जो भी आप करना चाह रहे हैं, इसी तरह वर्टिकल अलाइनमेंट और इज इक्वल टू XL और उसके साथ जो अलाइनमेंट आप चाहते हैं राइट लेफ्ट और वर्टिकल के लिए टॉप बॉटम और सेंटर होगी, और रेंज आप देंगे, बस इतनी सी चीज़ें आपने देखनी है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।